वंदे मातरम साथियों, मैं बाल मुकुंद शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ देशभक्ति का एक बहुत ही प्यारा सा भाषण, जिसे आप स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर मंच पर आकर जब बोलेंगे तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाएंगे और आपका व्यक्तित्व एक आकर्षक प्रभाव आपके श्रोताओं पर डाल पाएगा। तो हम शुरू करते हैं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी पधारे हुए अतिथियों व महान भावों का आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आपके समक्ष रखूँगा। चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, वतन को प्रणाम हो जाए। हम जिसे सलाम करना चाहते हैं उसे देखकर मैं चार पंक्तियां और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। विधि विधान है दुनिया में, जो आता है वो जाता है। विधि विधान है दुनिया में, जो आता है वो जाता है, इस पावन पुनीत धरती से जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। राष्ट्रभक्ति मन में भरकर देखोगे तो दिख जाएगा, राष्ट्रभक्ति मन में भरकर देखोगे तो दिख जाएगा। झंडे के तीनों रंगों में संविधान लहराता है, झंडे के तीनों रंगों में संविधान लहराता है। यूँ तो 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, पर जब 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ तब से ही आज़ादी का अर्थ स्पष्ट हुआ। लेकिन बाद में बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो गए, उनको एक गीत के माध्यम से मैं फिर से आपके सामने व्यक्त करता हूँ। भीड़ बहुत है, शोर गजब है, सारी दुनिया बड़ी अजब है। दुनिया में भीड़ बहुत है, शोर गजब है, सारी दुनिया बड़ी अजब है। एक दूसरे से सब पूछें, एक दूसरे से सब पूछें, आज़ादी का क्या मतलब है, आज़ादी का क्या मतलब है। धर्म जाति वर्ग संप्रदाय भाषा को नकार, धर्म जाति वर्ग संप्रदाय भाषा को नकार, मुक्त करें दाढ़ी और केस की स्वतंत्रता, मुक्त करें दाढ़ी और केस की स्वतंत्रता। यदि सब लोग एक राह पे चलेंगे नहीं, व्यर्थ होगी दर्ज अभिषेक की परंपरा, व्यर्थ होगी दर्ज अभिषेक की परंपरा। अलगाव को मिटा के किसी भांति लाई जाए, अलगाव को मिटा के किसी भांति लाई जाए, प्राणियों में श्रेष्ठ परिवेश की स्वतंत्रता, प्राणियों में श्रेष्ठ परिवेश की स्वतंत्रता। परतंत्रता की हार हर रोज बनी रहे, परतंत्रता की हार हर रोज बनी रहे, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता। मुल्ला पांडे लड़ जाते हैं और अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। तो ये लाइन हमें धार्मिक भावनाओं से निकलकर देश के लिए एकात्म भाव से सोचने पर मजबूर करती हैं कि मुल्ला पांडे लड़ जाते हैं, अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, फूल सरी की बातों वाले सूल सरी के गढ़ जाते हैं, फूल सरी की बातों वाले सूल सरी के गढ़ जाते हैं। ये भी नहीं समझ पाते हैं वही राम है वही रब है, आज़ादी का क्या मतलब है, आज़ादी का क्या मतलब है। होठों पे हंसी आँखों में चिंगारी रखना, होठों पे हंसी आँखों में चिंगारी रखना, अगर ज़िंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखना, अगर ज़िंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इसी तरह के और भी मेरे वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।